अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, व्यूअर्स कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक व्यूअर्स, आज हमारी कलरफुल बर्ड्स एंड एनिमल्स की टीम ने सलाम भाई उस्ताद की छत पे विज़िट किया है, जो कि कराची किंग कहलाते हैं हमारे यहाँ के माशाल्लाह से। सलाम भाई बहुत मशहूर हैं माशाल्लाह से कराची के अंदर, ये किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं जो इस वक्त आप देख रहे हैं। और इन्होंने बहुत सी लड़ाइयाँ भी कराई हैं पहले, और अभी भी इन्होंने लड़ाइयों के लिए 600 कबूतर इन्होंने ये तैयार किए हैं जिस तरह से आप देख रहे हैं, और 600 कबूतर ये तैयार किए हैं। व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि 1200 कबूतर एक साथ खुल चुके हैं इस वक्त, जो कि सलाम उस्ताद ने बिल्कुल तैयार करके रखे हुए हैं लड़ाइयों के लिए। और आप देख रहे हैं किस तरह से इनके कबूतर खुल रहे हैं दोनों जालों के, और ये पप्पू उस्ताद भी यहाँ पर है इनके साथ छत के ऊपर। और आप देख रहे हैं, ये देखें व्यूअर, जब 1200 कबूतर खुलता है तो कैसा लगता है। तो व्यूअर आपने देखा इनका ये 1200 कबूतर खुल चुका है इस वक्त, ये सलाम उस्ताद के कबूतर हैं जो कि कराची किंग के नाम से मशहूर है कराची में। और ये इनके कबूतर उड़ रहे हैं इस वक्त जो कि फुल रेडी हैं लड़ाइयों के लिए। ये देखें व्यूअर इनकी छत, अगर आप देखेंगे तो छत के ऊपर आपको इस वक्त कबूतर ही कबूतर नज़र आएगा, और ये सब तैयार लड़ते हुए कबूतर हैं व्यूअर। ये देखें व्यूअर, पूरी छत भर जाती है जब 1200 कबूतर उड़ता है। ये देखें व्यूअर, ये देखें व्यूअर, ये देखें। तो देखा व्यूअर, शौक किया जाता है तो किस तरह से किया जाता है, और दिल से किया जाता है। तो व्यूअर ये देखें दोबारा से सलाम उस्ताद के कबूतर उड़े, और ये देखें किस तरह से कितने सारे कबूतर लगते हैं जब ये एक साथ उड़ते हैं। ये देखें व्यूअर, ये दे ऑल आर रेडी फॉर फाइट, बट अभी इनकी लड़ाइयों की बातचीत चल रही है। ये देखें व्यूअर कितना कबूतर है, ये देख रहे हैं आप व्यूअर, ये सब इन्होंने लड़ाइयों के लिए तैयार किए हुए। ये देखें व्यूअर जब कबूतर उड़ता है, और ये देखें व्यूअर माशाल्लाह व्यूअर, आज आपको शौक देखने को मिला होगा कि शौक कहते किसे। ये देखें व्यूअर कितना कबूतर है, ये देखें व्यूअर पूरी छत भर जाती है व्यूअर जब कबूतर उड़ता है। और ये हो सकता है लड़ाइयाँ भी हो गई ना, ये व्यूअर इनकी किसी से लड़ाइयाँ भी हो गई हैं। व्यूअर्स हम तो हैरान हो गए देख के कि किस तरह से कबूतर उड़ता है, कबूतर लड़ गए थे व्यूअर्स, किस तरह से कबूतर लड़ता और किस तरह से उतरता है, हम तो हैरान रह गए व्यूअर्स। ये व्यूअर एक कबूतर भी आके उतर चुका है क्योंकि इनकी लड़ाई हो गई थी। हाँ, ये लालबन है, ये लालबन आके बैठा हुआ है कोई नहीं, ये इनका अपना ही है। एक्चुअली व्यूअर कबूतर इतने तो उसको पहचानने में थोड़ा सा वो होता है, आप जिस तरह से देख रहे हैं। देखा व्यूअर्स आपने कितने कबूतर हैं, ये हमारे फैसल भाई आ गए, खलीफा हैं ये सलाम भाई के। सही, सो व्यूअर ये देख रहे हैं आप जिस तरह से फैसल भाई भी आ गए हैं, खलीफा सलाम भाई, खलीफा हैं ये सलाम भाई के, बाइख्तियार खलीफा हैं, और ये तरह से आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक खैरियत से। और ये सलाम उस्ताद खड़े हैं कराची किंग। तो व्यूअर्स आप देख रहे होंगे जिस तरह से पूरी छत के ऊपर कबूतर ही कबूतर आपको नज़र आ रहा है, ये इन्होंने कबूतर सब लड़ाइयों के लिए तैयार किए हुए, इनकी किसी से लड़ाइयों की बातचीत चल रही है। ये देखें व्यूअर्स कितना कबूतर, आपने देखा है पहले व्यूअर्स कभी एक साथ एक छत के ऊपर? ये इनकी लड़ाइयों की बातचीत चल रही है तो उसके लिए इन्होंने तैयार करके रखे हुए हैं। हमारी दुआ है कि इनकी लड़ाइयाँ फिक्स हो जाए, तो फिर हम आपको लड़ाइयाँ भी दिखाएंगे इनकी इंशाल्लाह। तो विवेक कैसा लग रहा है आपको ये नज़ारा, इतने सारे कबूतरों का? ये देखिए कितने कबूतर ये उड़ रहे हैं, और ये कितने कबूतर नीचे उतरे हुए, पूरी छत के ऊपर विवेक कबूतर ही कबूतर। ऑसम व्यूअर, आज तो बहुत मज़ा आ रहा है हमें खुद, हमारी कलरफुल बर्ड्स एंड एनिमल्स टीम को भी बहुत मज़ा आ रहा है जिस तरह से आप देख रहे हैं। ये उस्ताद सलाम भाई के भाई हैं यूनुस भाई, और इस तरह से ये लोग अपने कबूतरों को जिस तरह से इन्होंने ट्रेन किया है तो इन्होंने खुले हुए इनकी छत है, और इस तरह से पूरे कबूतर आप देख सकते हैं पूरी छत के ऊपर किस तरह से कबूतर नज़र आ रहे हैं।
माशाल्लाह से। ये देखें व्यूअर्स, सी व्यूअर्स हाउ दे लुक लाइक व्हेन दे फ्लाई टुगेदर। दिस काइंड ऑफ पिजन कॉल्ड गोला पिजन इन कराची पाकिस्तान फ्लाई टुगेदर। देखा व्यूअर्स, पूरी छत के ऊपर कबूतर ही कबूतर है। ये देखें व्यूअर्स, व्यूअर्स आज तो कबूतरों, आज तो वीडियो भी एंड करने का मौका नहीं मिल रहा क्योंकि कबूतर इतने सारे हैं और हम स्टॉप करें तो वीडियो किस पे स्टॉप करें हमें समझ में भी नहीं आ रहा क्योंकि कोई मोमेंट ऐसा नहीं है जिसे मिस किया जाए। तो व्यूअर्स जिस तरह से आप देख रहे हैं इनके कबूतर उड़ चुके हैं इस वक्त और किस तरह से लग रहे हैं आपको पूरी छत के ऊपर, ये देखें व्यूअर्स, ये देखें व्यूअर्स पूरी छत के ऊपर व्यूअर्स देखें कबूतर ही कबूतर हैं। देखें कैसा उड़ा कबूतर, ये देखें व्यूअर्स, ये देखें व्यूअर्स, एक एक छोटी सी टोली आई है लड़ने के लिए, हो सकता है लड़ाई हो जाए। ये छोटी सी टोली पता नहीं किसकी है और ये उस्ताद सलाम भाई के कबूतर हैं और ये देखें लग रहा है व्यूअर्स ये हो गई लड़ाई, ये देखें व्यूअर्स ये हो गई, ये देखें व्यूअर्स किस तरह से दाना भर के मारा। अभी देखते हैं व्यूअर्स कोई कबूतर आया या नहीं आया, इनकी लड़ाइयाँ हो गई थी। ये देखें व्यूअर्स जिस तरह से दाना फेंका जाता है तो फिर उसे फौरन से उठाया जाता है। देखें व्यूअर्स अपने कबूतरों को बुला रहे हैं, ये अपने कबूतरों को बुलाते हैं इस तरह से। अभी व्यूअर्स इतने सारे कबूतरों में मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि पता कैसे चलेगा कि कोई कबूतर आया नहीं आया। यूनुस भाई, कोई कबूतर आया नहीं आया, इतने सारे कबूतरों में कैसे पता चलेगा? उनके गर्दन घूम रहे हैं, हवाएं भी घूम रहे हैं। अच्छा, तो अभी अभी कोई भी नहीं आया है इतने सही। तो व्यूअर आपने देखा जिस तरह से कि ये यूनुस भाई ने बताया, ये उस्ताद सलाम भाई के भाई हैं, इन्होंने बताया कि कबूतर अभी इनके जो नए हैं इन्होंने लड़ाइयों के लिए तैयार कर रहे हैं तो उड़ा रहे हैं इनको। हो सकता है वो जो छोटी टोली उड़ी थी वो शायद कोई मार लें तो मार लें क्योंकि उनके गिरदान कबूतर हैं, ये अभी नए कबूतर तैयार कर रहे हैं इनकी, किसी से लड़ाइयों की बातचीत चली है। हम वो बात भी करेंगे अभी उस्ताद सलाम भाई से और पप्पू भाई, उस्ताद पप्पू भाई से कि भाई किस तरह से इनके लड़ाइयों का सिलसिला है, कब है, क्या है। हो सकता है इन्होंने एक कबूतर ये कोई पकड़ भी लिया, ये कबूतर आया हुआ था पकड़ा ये कबूतर। तो व्यूअर आपने देखा ये इन्होंने एक कबूतर पकड़ा भी है, हम अभी वो कबूतर भी देखेंगे जाके क्योंकि पकड़े हुए कबूतर देखने में तो वैसे ही बहुत मज़ा आता है। हम ये देखेंगे ये व्यूअर एक कबूतर इन्होंने पकड़ लिया पीले बान वाला, दिखाइएगा सर जी कैसा है। ये देखें व्यूअर्स कितना प्यारा घाघरा पकड़ा है इन्होंने, वाइट गंडों वाला, बहुत प्यारा व्यूअर्स, माशाल्लाह बहुत प्यारा घाघरा। तो व्यूअर आपने देखा इस तरह से यहाँ पर हम लोग इस पर छत के ऊपर हैं और कितने सारे लोग हैं और ये किस तरह से कबूतर उड़ रहे हैं और कितने सारे उड़ रहे हैं। इन्होंने एक कबूतर भी पकड़ लिया और बहुत बेहतरीन घाघरा पकड़ा माशाल्लाह से। ये असल में इस छोटी ये जो टोली उड़ी छोटी, ये इनसे लड़वाना तो नहीं चाह रहे, इन्होंने बस अपने कबूतर ये तैयार कर रहे हैं लेकिन अब लड़ भी रहे हैं तो क्या कर सकते हैं, वो पुराने उसके गिरदान है छोटी टोली वाले के, लेकिन ये सिर्फ लड़ाइयाँ जो हैं बस ऐसे ही हैं। ये देखिए व्यूअर्स, ये देखिए व्यूअर्स किस तरह से दाना फेंका था, ये देखिए व्यूअर्स किस तरह से दाना फेंका, ये देखिए व्यूअर्स किस तरह से दाना फेंका जाता है। व्यूअर्स हम तो बिल्कुल हैरान हो गए, दाना देखें किस तरह से फेंका जाता है। देखें इनके कबूतर निकल के आ रहे हैं, कोई नहीं आ रही है। ये देखें व्यूअर्स, ये देखें व्यूअर्स,
ये देखने व्यूअर्स जब इतने सारे कबूतर होते किस तरह होता है, कैसा लग रहा है व्यूअर आपको आज का मंजर, हमें ज़रूर बताइएगा व्यूअर्स आज का ये मंजर किस तरह से लग रहा है। देखिए व्यूअर्स कितना दाना फेंक कर जाता है और अभी इतने सारे कबूतर हैं, इनमें पता नहीं चलेगा कोई कबूतर आया नहीं आया। खैर हम इनसे पूछेंगे, आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। व्यूअर्स क्या मंजर है, इन्होंने दोबारा कबूतर उड़ाए, मंजर देखिए व्यूअर्स, ये देखिए और किस तरह से उड़ रहा है। ये तैयारी पे है इनके सारे कबूतर लड़ाइयों के लिए, आज लड़ाइयों की भी बात करेंगे। उस्ताद सलाम और उस्ताद पप्पू भाई, छोटी टोली आ गई किसी की, और एक टोली ये भी उड़ी है पीछे किसी की, ये भी लड़ेगी तो फिर लड़वाएंगे देखेंगे। ये देखिए विवाह बहुत पीछे आगे छुटी आ गई, एक विवाह हो गई लड़ैया। तो ये देखिए विवाह, ये कबूतरों की लड़ैया हो गई है। ये देखिए विवाह किस तरह से लड़के लड़े हैं कबूतरों की टोलियाँ। देखें वीवर किस तरह से कबूतर उतरा, ये देखें वीवर्स, हम तो देखते ही रह जाते हैं बस जब इस तरह से कबूतर उड़ के उतरते हैं। ये देखें वीवर्स किस तरह से आ रहे हैं कबूतर, ये देखें वीवर साइड पे बैठ जाते हैं बिल्कुल, ताकि ये लोग डिस्टर्ब ना हो। तो व्यूअर हमें तो समझ में नहीं आ रहा, इतने सारे कबूतर हमने फर्स्ट टाइम देखे हैं। तो जिस तरह से देख रहे हैं व्यूअर, ये कबूतर वापस आ चुके हैं और ये इस तरह से छत के ऊपर हैं सब। सलाम उस्ताद भी खड़े हुए हैं कराची किंग, जिस तरह से आप देख रहे हैं ग्रीन शर्ट के अंदर, और ये पप्पू उस्ताद भी खड़े हुए हैं यहाँ पर। अभी हम इनसे बातचीत भी करेंगे कि इन्होंने कबूतर किस लिए तैयार किए हैं, इनकी लड़ाइयाँ किन से हैं और कब हैं क्या है। फिलहाल हम आपको अभी इनके कबूतर दिखा रहे हैं जो कि इन्होंने तैयार किए हैं लड़ाइयों के लिए, जिस तरह से आप देख रहे हैं। देखें ये देखें व्यूअर, जब कबूतर उड़ता है तो फिर कैसा लगता है, ये देखें व्यूअर। दोबारा लड़ाई हो चुकी है, नहीं ये हमारे अच्छा ये आपकी। तो इस तरह से उस्ताद सलाम भाई के भाई ने हमें बताया, यूनुस भाई ने, वो आ रही है छोटी टोली दोबारा लड़ने के लिए, ये अब लड़ेगी, ये लड़ रहे हैं। अब ये वीवर लड़ चुके हैं, अब देखते हैं वीवर। ये देखें वीवर क्या मंजर है वीवर, ये देखें वीवर, ये उस्ताद सलाम भाई ने कबूतरों को दोबारा घुमाया। ये उस्तादों की बात होती है कब कबूतरों को घुमाना है कब नहीं घुमाना है इनकी, अब हमें इसका कुछ आइडिया नहीं है क्योंकि उस्ताद लोग ज़्यादा बेहतर जानते हैं। ये कबूतर आए, तो व्यूअर आप जिस तरह से देख रहे हैं, ये इन्होंने बताया कोई कबूतर बैठा हुआ शायद, ये पामूस किसका है, तो व्यूअर ये देखें कबूतरों को चेक कर रहे हैं कौन सा कबूतर आया हुआ है कौन सा नहीं आया हुआ, क्योंकि इतने सारे कबूतरों में पहचानना मुश्किल होता है। ये अभी देख रहे हैं पहचान रहे हैं व्यूअर, आप बताएं आप पहचान सकते हैं इतने सारे कबूतरों में आया हुआ कबूतर, लड़ाई होती है ना कलर लगता है, अच्छा जब लड़ाइयाँ होती है कलर लगता है, सही।
तो व्यूअर जिस तरह से उस्ताद सलाम भाई के भाई ने हमें बताया, यूनुस भाई ने, कि जब लड़ाइयाँ होती हैं तो कबूतरों को कलर लगाया जाता है, कलर से पहचाना जाता है कबूतर। अभी तो इनकी ट्रेनिंग चल रही है क्योंकि इन्होंने लड़ाइयों के लिए तैयार किए हैं कबूतर। मंजर देख लें व्यूअर्स कैसा है छत का। व्यूअर्स आज हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम वीडियो को स्टॉप करें तो कब करें, क्योंकि ये जिस तरह से आप देख रहे हैं कंटिन्यू कबूतर उड़ रहा है और अच्छा लग रहा है, उतरता हुआ भी उड़ता हुआ भी, तो कैमरा भी स्टॉप नहीं हो रहा और कंटिन्यू वीडियो चल रही है इस पर। दोबारा लड़ाई हो चुकी है, दोबारा लड़ाई हो चुकी है। ये देखिए ये देखें व्यूअर्स किस तरह का मंजर है। ये कराची पाकिस्तान है जहां पर इस तरह से कबूतरबाजी की जाती है और ये मंजर आपको देखने को मिलने। हो सकता है हमारे बहुत से व्यूअर्स जो इस वक्त अब्रॉड में हों, वो लोग भी लाल जोगिया बैठ गया कोई। तो जो हमारे व्यूअर्स अब्रॉड में हैं उन्होंने भी कभी कबूतरबाजी की होगी पाकिस्तान में, तो वो भी मिस कर रहे होंगे इस तरह की कबूतरबाजी को। तो आप इनके कबूतर भी मैं आपको दिखा दूं कैसे कैसे कबूतर हैं, आप ये भी देख लें इस तरीके से व्यूअर्स कैसे अच्छे कबूतर हैं इनके पास। पूरी छत के ऊपर मस्ता रहे हैं इस पर कबूतर, और ये उस्ताद लोग भी खड़े हैं चेक कर रहे हैं कबूतरों को। चले विवा हम वीडियो को कंटिन्यू करेंगे, अब थोड़ी देर के लिए कैमरे को स्टॉप कर देते हैं। तो विवा इन्होंने दोबारा कबूतरों को उड़ाया जिस तरह से आप देख रहे हैं। ये उस्ताद सलाम भाई के कबूतर हैं जो कि कराची किंग कहलाते हैं। कराची में इन्होंने बहुत सी लड़ाइयाँ करवाई हैं और जीते हैं हमेशा। देखिए व्यूअर्स किस तरह से इनके कबूतर उड़ रहे हैं इस पर। ये देखिए फिर ये लड़ाई हो चुकी है किसी कबूतरों की टोली का, और कितने सारे कबूतर हैं अभी देखते हैं। हम लोग पीछे बैठे आएंगे व्यूअर्स। ये देखें ये उस्ताद सलाम भाई हैं जिन्होंने कबूतरों को घुमा के इशारा किया है। ये देखें इन्होंने दोबारा इनको कबूतरों को बैठने दे दिया उस्ताद सलाम भाई ने, घुमाया है कबूतरों को। ये देखें व्यूअर्स व्यूअर्स इस वीडियो का एंड भी आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एंड में हम उस्तादों से बातचीत करेंगे और उनसे ये भी पूछेंगे कि ये किन से लड़ाइयों की तैयारियां शुरू हैं इनकी, और इन्होंने अभी तक कितनी लड़ाइयां कराई हैं और कितनों में जीते हैं, कितनों में इनको क्या हुआ है, उस सब के बारे में हम इनसे पूछेंगे। तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। जिस तरह से अभी आपको हम कबूतर दिखा रहे हैं इनके उड़ाते हुए, और ये हम आपको एक दफ़ा फिर बता दें कि वो सामने जो खड़े हैं वो उस्ताद सलाम भाई हैं जो कि कराची किंग हैं। माशाल्लाह से इन्होंने बहुत सी लड़ाइयाँ कराई हैं यहाँ पर कराची में, और इन्हें फतह हासिल हुई है, हमेशा जीते हैं माशाल्लाह से, हमेशा जीते हैं। और ये उस्ताद पप्पू भाई खड़े हैं, इन्होंने भी बहुत सी लड़ाइयाँ कराई हैं और ये भी हमेशा जीते हैं। और ये उजैर भाई हैं जो कि पंचोली से आए हुए हैं इस वक्त यहाँ पर उस्ताद सलाम भाई के कबूतरों को लुक आफ्टर करने के लिए उनके साथ, और इस तरह से ये इनकी छत है। ये बोल रहे कोई कबूतर आ चुका है तो ये उसे पकड़ने की करेंगे। अभी देखते हैं अगर कोई कबूतर आया तो ये उसे पकड़ने की करेंगे। पप्पू भाई आया हुआ है क्या, आया कोई कबूतर? उन्होंने बोला कोई कबूतर आया शायद।
वो आवाज़ें लगा रहे हैं दूसरी पार्टी, हो सकता है कोई कबूतर आया। उस्ताद सलाम भाई देखने के लिए जा रहे हैं। आया हुआ है ना एक कबूतर आया हुआ व्यूअर, ये चेक कर रहे हैं। एक कबूतर आया भाई, उस्ताद सलाम भाई ने कहा पकड़ लो भाई जिसे पकड़ना है आराम से, कोई मसला नहीं है। उस्तादों की बात ऐसी होती है। हमें तो पता ही नहीं चला कौन सा कबूतर, ये देखें व्यूअर, ये अभी पप्पू साहब उठाएंगे। ये देखें व्यूअर कबूतर किस तरह से हो जाता है, ये देखें व्यूअर, आपने देखा व्यूअर किस तरह से कबूतरों को पकड़ते हैं, हम तो खुद हैरान हो गए। ये देखें उस पप्पू साहब ने कबूतर को पकड़ा है, दिखाना भाई दिखाना। सो व्यूअर देख लें, ये इन्होंने एक कबूतर पकड़ा है, ये भी लाल बन टाइप का है, पड़ोसी कड़ियों में और किसका मच्छी, काला मच्छी वाले, कादर मच्छी वाले का कबूतर इन्होंने पकड़ा है। तो व्यूअर आपने देखा उस पप्पू साहब ने पकड़ा कितने प्यार से था, और अब इन्होंने दोबारा उड़ाए कबूतर। आपने हमारी छत की तो वीडियो देखी है कबूतर पकड़ने की, ये भी देख ली आपने कितने सारे कबूतरों में किस तरह से कबूतरों को पकड़ा जाता है और किस तरह से कबूतर उठाया जाता है। इन्होंने दो कबूतर पकड़े अभी तक, और ये दोबारा सच नहीं अभी नहीं लड़े, ये देखिए अब ये लड़ेंगे अभी दोबारा, ये वाली ये लड़ गया अभी बस। ये देखिए व्यूअर तीन टोलियाँ इस वक्त लड़ चुकी हैं, ये तीन टोलियाँ लड़ चुकी हैं व्यूअर, जिस तरह से आप देख रहे हैं ये क्या मंजर है व्यूअर। और ऐसा मंजर आपको हमारे चैनल कलरफुल बर्ड्स एंड एनिमल्स पे देखने को मिलता है, आप हमें ज़रूर बताइएगा आपको ये मंजर कैसा लग रहा है। तीन तीन कबूतरों की टोलियाँ इस वक्त लड़ चुकी हैं, ये देखें विवक किस तरह से कबूतर छत के ऊपर अलग अलग हुआ, ये देखें विवक पूरी छत के ऊपर, ये देखें विवक क्या मंजर चल रहा है विवक, देख रहे हैं आप ऐसा मंजर विवक आपने देखा पहले कभी, ये देखें विवक, ये देखें हम तो खुद हैरान है। ये देखें व्यूअर किस तरह से आ रहे हैं कबूतर, हम तो खुद हैरान हो रहे हैं व्यूअर, ये देखें क्या सीन है। ये देखें व्यूअर कबूतर को बुला रहे हैं, ये देखें व्यूअर कबूतर को बुला रहे हैं, और इन्होंने अपने कबूतर निकाले वहां से। तो देखा व्यूअर आपने किस तरह से कबूतर आ गए हैं सारे, सब लोग चेक करते हैं कि कोई कबूतर आया नहीं आया, सात लोग खड़े हैं सब। चलें विवाह हम वीडियो को कंटिन्यू करेंगे, आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, होप आपको वीडियो ज़रूर पसंद आ रही होगी। कोई आया क्या, नहीं आया, तो विवाह कोई कबूतर नहीं आया अभी। तो विवाह ये देखें दोबारा इनके कबूतर उड़ चुके हैं, जिस तरह से ये वो टोली से लड़ने के लिए गए, और ये देखें किस तरह से जा रहे हैं, और ये लड़ाई हो चुकी है। ये देखें विवाह किस तरह से कबूतर, ये कटे और ये देखें ये देखें भी बस, ये इनके ये कबूतर आ रहे हैं। तो देखा भी बस आपने किस तरह से कबूतर आए हैं वापस, और किस तरह से लड़ रहे, और ये देखें विवर किस तरह से शॉक किया जा रहा है छत के ऊपर, और इसे कहते हैं शॉक, जो कि आप आज की हमारी इस वीडियो में देख रहे होंगे। जैसा कि हमने आपको बताया था हम उस्ताद सलाम भाई की छत पर हैं इस वक्त, और उनके बहुत से दोस्त भी आए हुए हैं छत के ऊपर, और ये इनके सारे कबूतर हैं जिस तरह से आप देख रहे हैं माशाल्लाह से, जो कि इन्होंने लड़ाइयों के लिए तैयार किए हुए हैं। इनकी लड़ाइयों की बातचीत चल रही है किसी से,
हम आपको अभी इनसे बातचीत करके भी बताएंगे। ये देखिए व्यूअर्स, इसे कहते हैं शौक, जिस तरह से कबूतरों को उड़ा रहे हैं और ट्रेन कर रहे हैं लड़ाइयों के लिए। और ये पूरी छत है। उमर उस्ताद भी आ चुके हैं इस पर। ये उमर उस्ताद, अस्सलामुअलैकुम उमर भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक। सलाम उस्ताद के साथ खड़े हैं इस पर और शौक का मज़ा कर रहे हैं। तरह से आप देख रहे हैं कबूतरों को। अभी हम इनसे बातचीत भी करेंगे व्यूअर्स, आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। इसे बोलते हैं शौक, कबूतर देखें कितना है। और ये देखिएगा किस तरह से आएगा, ये उतर गया, ये हमारे सामने खींच आ गया। ये देखें व्यूअर्स, तो व्यूअर आपको इनका शौक कैसा लग रहा है, इनके कबूतर कैसे लग रहे हैं, आप हमें ज़रूर बताइएगा। ये देखिए दोबारा हो चुकी है लड़ाइयाँ। अभी देखते हैं, इन्होंने कबूतरों को बुलाया। ये देखो व्यूअर, ये देखें व्यूअर, ये देखें व्यूअर, ये देखें व्यूअर, ये देखें व्यूअर, दाना किस तरह से फेंकते हैं, ये देखें व्यूअर। और ये देखें व्यूअर, जब कबूतर आते हैं उतरते हैं तो किस तरह से उतरते हैं, ये देख रहे हैं आप। ये देखें व्यूअर, तो देखा व्यूअर्स आपने किस तरह से कबूतर उतरता है लड़ने के बाद और किस तरह से दाना फेंका जाता है और फिर दानों को, दाने को उठाया जाता है, साफ किया जाता है। चेक कर रहे हैं कोई कबूतर आया शायद। समय व्यूअर्स, इतने सारे कबूतर हैं तो इसमें पहचानना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इन्होंने बोला शायद कोई कबूतर आ गया है। देखें अब ये चिकना और डाल के उठाएंगे व्यूअर्स। ये देखें व्यूअर्स कितनी आराम से पकड़ लेते हैं व्यूअर्स। सो आपने देखा इन्होंने एक और कबूतर पकड़ लिया। सो देखा व्यूअर्स, एक और कबूतर इन्होंने पकड़ लिया। तो व्यूअर उनसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, वो इनका अपना ही कबूतर था। इस तरह भी होता है क्योंकि कबूतर बहुत है ना, इस वैसे पहचानना नहीं जाता। असल में उस्ताद लोग जो हैं वो तो सिर्फ लुक आफ्टर करते हैं, ज़रा बैठ कर देखते हैं, और बाकी उनके शागिर्द होते हैं वो लोग कबूतरों को उड़ा रहे होते हैं, तो इस तरह से शागिर्दों को इतना आइडिया नहीं होता, जिसकी वजह से ऐसा भी हो जाता है। तो व्यूअर्स आप हमें ज़रूर बताइए कि आपको इनका शौक कैसा लगा, इनके कबूतर कैसे लगे और इनकी छत कैसी लगी। अब हम इनसे बातचीत भी करेंगे और पूछेंगे इन्होंने ये कबूतर किस लिए तैयार किए हैं और इनकी लड़ाइयाँ किससे हैं और क्या है और इन्होंने अब तक कितनी लड़ाइयाँ कराई हैं। इस हवाले से हम इनसे सब बातचीत करेंगे, आप वीडियो को एंड तक देखिएगा और हमें ज़रूर बताइए कि आपको इनके शौक कैसा लगा, इनके कबूतर कैसे लगे, वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो व्यूअर्स, जिस तरह से हमने आपको बताया था कि हम वीडियो के एंड में उस्तादों से बात करेंगे, इस वक्त हमारी कलरफुल बर्ड्स एंड एनिमल्स की टीम कराची किंग सलाम यूनुस उस्ताद की छत पर है और उनके साथ उस्ताद पप्पू उस्ताद भी हैं। और अब हम लोग इनसे बात करेंगे, जिस तरह से आपने देखा इनके कबूतर जो उड़ते हुए अभी जो इन्होंने लड़ाइयों के लिए तैयार किए हुए हैं, और इन्होंने किस लिए ये कबूतर तैयार किए हैं और इनकी लड़ाइयाँ किससे होने वाली है, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलामुअलैकुम उस्ताद जी। वालेकुम अस्सलाम। ये सलाम उस्ताद हैं जो अभी आपको बताएंगे कि हमने किस तरीके से तैयारी की है लड़िया के कबूतरों के लिए। हमने कबूतर तैयार कर लिए हैं, इंशाल्लाह भी आपको सलाम भाई पूरी वजाहत करेंगे। अस्सलामुअलैकुम जनाब, लड़ाइयों की एक हवा चल रही है कराची के अंदर, जिस सिलसिले में तैयारी हो रही है मुख्तलिफ जगहों से, मुख्तलिफ यूनियनों से, मुख्तलिफ उस्तादों की आवाज़ें आ रही हैं कि कबूतर लड़ाना चाहते हैं, चैलेंज कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, धमाका कर रहे हैं, तो उस सिलसिले में तैयारी है। और बेसिकली तो ये लड़ाई उमर उस्ताद की होने वाली थी, जिसको पोस्टपोन कर दिया गया टेक्निकल तरीके से और वो हो नहीं सकी। बेसिकली तैयारी उसी के लिए थी, फिर भी ये तैयारी अब तैयार है तो कबूतर किसी से भी लड़ सकते हैं। और बाकी मुख्तलिफ उस्तादों की भी चल रही है, कुछ हमारे अपने यूनियन के लोग हैं, कुछ दीगर यूनियन के लोग हैं जिनके से आपस में मामला चल रहे हैं। अब देखें, किसी से भी कोई लड़ाइयाँ होती है तो कोई सिलसिला बनता है, अब जो भी होगा मतलब आपके सामने ही होगा।
बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम तमाम कराची के शौकीन हजरात को मेरा सलाम, तमाम उस्तादों को, तमाम खलीफाओं को, तमाम शागिर्दों को और तमाम कराची में जो शौकीन हजरात हैं इन सबको अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि लड़ैया का ये जो मौसम चल रहा है अभी कि लड़ैया होंगी, लेकिन वो लड़ैया अभी तक कोई हुई नहीं। जब ये यूनियन वाले वहाँ बात करने के लिए जाते हैं तो वो एक फसाद खड़ा कर देते हैं, कभी पीछे से कोई बोलता है जबकि बात होती है उस्तादों की। ये लोग कहते हैं कि 7 उस्ताद लिया और 5 उस्ताद लिया उनमें बात होगी, जब वहाँ जाके बात करते हैं तो ये तमाम 100-150 आदमी ये लोग खड़े होते हैं, तो वहाँ पर ये बातचीत इनकी नहीं होती है, लिहाजा ये लड़ैया इस हिसाब से नहीं हो सकती। जब उस्तादों ने कबूतर लड़ाने हैं तो कम से कम ये अपने उस्ताद ही बीच में आए और वहाँ बैठे एक जगह पे अलग से, तो वहाँ तो ये लड़ैया हो सकती है। जहाँ इतने हजरात मौजूद होंगे वहाँ कोई ना कोई लुकमे देता रहता है इनको, तो वो लड़ैया बारह लिए नहीं हो गई। उमेर भाई को इन्होंने आवाज़ दी थी लड़ाने के लिए, उमेर भाई ने तैयारी करी, जिसके साथ साथ सलाम भाई ने इनके साथ इनकी हेल्प की और कबूतर तैयार किए, उसमें हमारी पूरी टीम शामिल है, काफ़ी लोग हैं हमारे जो इन तैयारी में शामिल हैं। और ये जैसे कि भी आवाज़ हमने काने सरताज की सुनी थी कि कोई भी आके लड़ा लें, ये क्या किसी से कबूतर लड़ाएगा? ये 5 दफ़ा लड़ैया मुझसे हारा हुआ है और अभी ये दोबारा 2018 में फिर एकदम उठे। इनके पिछले पुराने तकरीबन शागिरद खलीफा वो आग हो चुके हैं इनसे, अभी ये दूसरी यूनियन इन्होंने अपनी तैयार करी है, उसमें इमरान भाई ने बहुत सारे शागिरद बनाए, खलीफा बनाए, बागतार खलीफा बनाए। अब जब जिस आदमी को इन्होंने आवाज़ दी थी तो इनको कबूतर लड़ाने चाहिए थे उस आदमी से, अब ये उसको पलट के जवाब देते कि लड़ाई आवाज़ इन्होंने दी थी, आवाज़ इनकी तरफ से आई थी जो इन्होंने कबूतर नहीं लड़ाए, लिहाजा हमारी तैयारी मुकम्मल है। अब ये कबूतर हो सकता है असलम भाई और कद्दू उस्ताद की लड़ैया के लिए तैयार हैं। अब आज इनको बातचीत हो जाए इनसे तो शायद ही आज आखिरी दिन इनके लिए कि लड़ैया अगर हो गई तो आज हो सकती है, वरना फिर ये लड़ैया नहीं होगी। और दूसरी बात, अभी इन्होंने व्हाट्सएप पे कितनी मूवियाँ डाली हैं लेकिन वो सब बेबुनियाद हैं, सब झूठ पे मबनी हैं, वो उसमें कोई सदाकत नहीं है, वो सब झूठ हैं। इसके अंदर लड़ाने वाला होता है सीधा आके हाथ मिलाता है कि हाँ भाई मेरा तुमसे शौक होता है और ये हाथ मिल गया, तो ये बाकी सब बेकार की बातें, इतनी मूवियाँ इन्होंने डाली हुई हैं वो सब बेबुनियाद मूवियाँ इनकी, और कोई ऐसे काबिल तारीफ़ नहीं है जिसमें इन लोगों ने बहुत अच्छा कोई काम किया हो। बहरहाल ये उस्ताद लोग हैं, मैं इस यूनियन के साथ हूँ, वो यूनियन अलग है इमरान नारी वाले की, उनमें चंद उस्ताद हैं और बाकी कोई ऐसे काबिल तारीफ़ लोग नहीं हैं जो हर किसी को आवाज़ दे देते हैं लेकिन लड़ाते नहीं हैं किसी से भी। भाई बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सारे शौकीनों को। भाई ये हमारे भाई उमेर की तरफ से ये लड़ैया की बात शुरू हुई थी, ये इमरान नारी वालों ने इसको आवाज़ दी थी हैं, और यहाँ से लड़ैया की तैयारी होते होते ये यासिर भाई और असलम भाई की तरफ पहुँच गई है हैं, लेकिन ये लोग लड़ैया के लिए आ नहीं रहे, जहाँ जाते हैं अपनी जगह पे बुला रहे हैं, ये हम जा रहे हैं लेकिन बाद में क्या बोलते हैं, भाग गए, कहीं भाग गए। बुरे उस्ताद को अकेले में आवाज़ दे ली, बुरे उस्ताद को बोल रहे हैं आपसे लड़ाएंगे, आवाज़ दे रहे हैं यूनियन की, तो यूनियन के हिसाब से लड़ाओ ना कबूतर, यूनियन के हिसाब से कबूतर लड़ाओ, अकेले में आवाज़ देना बुरे उस्ताद को, 2 खलीफा 1 उस्ताद। अब ये कद्दू की तैयारी दिखा दी, वो KBR के अंदर राजा के कबूतर 1000 कबूतर उड़ रहा है ना, वो 1000 है, हैं। अब यहाँ तो हमारे कबूतर की तैयारी देख ली, ये हमारे पप्पू भाई हैं, ये यूनुस भाई हैं, ये आपने हमारे कबूतर देख लिए, जिसका दिल चाहे लड़ा ले, अब अपनी जगह पे बुलाना है भाई, तुम हमारी जगह पे आए और छल ले लो, छल ले के आओ हमसे कबूतर लड़ाने, हम किसी चीज़ से बाहर नहीं है, तुमसे लड़ाने के लिए तैयार है। चौकों के ऊपर ये बैनर वही लगाते जो कुछ करते नहीं है, हमें लगाने होते कब के लगाते थे, लेकिन हम में तुम्हारे में ये फ़र्क है। और वो आसिफ भाई इंटरव्यू दे रहा है, बोला नहीं पहले वो लड़ाई है, भागने का डर है, घर है, हैं, तो ये है इनकी बातें सारी। इमरान उस्ताद ने परसों बोला कयाम भाई से और अल्लाह आपका भला करे भूरे उस्ताद से, क्या बोला भाई कबूतर लड़े आएंगे, अभी ये अपने अब भी कल ये बोल रहे हैं असलम भाई को आप आ जाओ, जावेद सुनारे के आ जाओ या उसके दफ्तर के अंदर आ जाओ, लेकिन ये हमारी हम बोल रहे हैं भाई 150 लोग को जमा कर लेते, हम तो कोई भी नहीं है, हमारे उस्तादों का आर्डर नहीं है हमारे को कहीं जाने का, लेकिन फिर भी हम नहीं आते, ये अब भी नहीं आ रहा। कयाम भाई के घर पे 4 उस्ताद बैठ के बात कर लो, छल ले के आ जाओ, कबूतर लड़ा लो जितने दिल जाए, हम तो ये भी नहीं बोल रहे, हमारे 2000 है 3000 है 4 निकलेगा कुल आलम देखेगा, हाँ तो यानी जो बिल्कुल रेडी है भाई,
रमज़ान के महीने में रोज़े रखते हैं, उनमें रोज़े रखें या नहीं रखें, लेकिन हम तो रोज़े रखते हैं, रोज़े के अंदर भी कबूतर लड़ाने के लिए तैयार हैं। किसी चीज़ से भागते नहीं हैं, कबूतर लड़ाएं जैसे दिल करे लड़ाएं। यासिर भाई को हमारे आवाज़ दी, उनकी तरफ से भी जब दिल करे, जिसका भी हमारी यूनियन की तरफ से जिसका दिल करे आ जाए, हम किसी के बारे में अपनी यूनियन के बंदे के बारे में बात नहीं सुन सकते। और आपका चैलेंज हमने कबूल किया, जैसे आर्मी बैंक वाले ने चैलेंज दिया, बच्चे बच्चे से लड़वा दो, तुम बड़े से लड़वा दो, जो बड़े हैं ना तुम्हारे वही लड़ाएं कबूतर खाली हमसे, बच्चा तो दूर की बात है। अब उनकी यूनियन में जावेद उस्ताद है, जिनको उर्फ जावेद चुमा कहते, उन्होंने चैलेंज किया, क्या कहते, कोई भी लड़ा ले दौड़ा ले, हैं लालू खेत की तारीख के अंदर कभी हमने उनका कबूतर लालू खेत के अंदर नहीं देखा है, कभी कोटा के अंदर उनको चैलेंज है, कभी हम मेरा घर यहाँ पे है ना, वहाँ कबूतर भेज देंगे, इनके गले में कंटे का हार डालेंगे, नहीं तो हमसे बोले वहाँ कबूतर नहीं है, घर के ऊपर कबूतर पाल के इनके घर पे कबूतर खड़ा कर देंगे इनके इलाके के अंदर, ये इनको चैलेंज है। हमारी कबूतरों की तैयारी तमाम कराची के शौकीन हजरात और हैदराबाद के शौकीन हजरातों ने सब ने देख ली इस वीडियो के ज़रिए, हमारी तैयारी मौजूद है, हम लड़ाने के लिए तैयार हैं। सलाम भाई जिंदाबाद, सलाम भाई जनरल सेक्रेटरी जिंदाबाद। तो व्यूअर्स, आपने देखा जिस तरह से उस्तादों ने चैलेंज उनका एक्सेप्ट किया हुआ, और ये अभी भी लड़ाइयों के लिए तैयार हैं, और आपने इनके लड़ाइयों के कबूतर जो रेडी हैं आपने इनको होते हुए भी देख लिया, वीडियो के अंदर आपने देखा होगा, तो ये आज भी लड़ाइयों के लिए तैयार हैं। तो जो भी इनसे लड़वाना चाहता है वो आके दिल खोल के इनसे लड़वा सकता है, प्यार मोहब्बत का शौक है ये, आएँ बिल्कुल लड़वाएँ, जब चाहें जब लड़वाएँ। तो ये सब उस्ताद लोग थे हमारे साथ छत के ऊपर, हमने इनसे बातचीत भी की इनके कबूतर। तो होप व्यूअर्स आपको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल कलरफुल बर्ड्स एंड एनिमल्स को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।